सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू चेंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, आपने इस वीडियो के टाइटल में बिल्कुल सही देखा, बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स दे आर ऑन द वे। तो क्या आप भी आईसीएसई 2020 बैच स्टूडेंट्स हो और क्या आपको भी डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट का नाम सुनकर? सो यू मस्ट बी नोइंग कि जब से सीआईएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन आया है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये न्यूज आया है कि रिजल्ट 2020 बैच स्टूडेंट्स के, चाहे आप आईएससी स्टूडेंट हो चाहे आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 2020 बैच स्टूडेंट्स का 15th या फिर बिफोर 15th आ सकता है। तो जब से ये न्यूज आया है, एवरीबडी इज स्केयर्ड रिजल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है तो पता नहीं क्या होगा, बहुत ही डर लग रहा है। वेदर मॉडरेशन पॉलिसी दे आर गोइंग टू अप्लाई और नॉट, कॉपी चेकिंग इज लीनियंट और नॉट, एंड आईसीएसई मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग जो अपडेट है उसकी वजह से क्या हमें चारों सब्जेक्ट्स में या फिर रिमेनिंग के 3 सब्जेक्ट्स में क्या सब में सेम मार्क्स मिलेगा, तो क्या डिफरेंट मार्क्स मिलेगा? तो ये सारे बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भर चुके हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी आईसीएसई एंड आईसीएसई 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट अस बिगिन। वेल, सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, एवरीबडी इज स्केयर्ड, दिस इज अ फैक्ट कि अगर आपने एग्जाम्स अच्छा किया, नो मैटर आपने एग्जाम्स उतना अच्छा नहीं किया, साथ ही साथ रिमेनिंग एग्जाम्स आपने दिया नहीं, यू आर स्केयर्ड कि रिजल्ट में क्या होगा कैसा होगा रिजल्ट इस बार के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2020 बैच स्टूडेंट बहुत ही स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच क्यों है सभी स्टूडेंट्स को पता है, बिकॉज यू आर स्पेशल बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन आपका एग्जाम्स पोस्टपोन हुआ और डिलेड एंड फाइनली आफ्टर मंथ्स इट गॉट कैंसल्ड। तो बोर्ड एग्जाम्स भी कैंसिल हो गया, मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग अपडेट आया, उसके बाद बहुत सारा चीज हुआ जो कि अभी तक आईसीएसई की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। सो व्हाई आर यू अ स्पेशल बैच, क्योंकि आईसीएसई 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए जो जो अभी तक हुआ है वो पहले आज तक कभी नहीं हुआ। एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होना, डिले होना, उसके बाद कैंसिल हो जाना, वो भी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, रादर फॉर 4 सब्जेक्ट्स, रादर फॉर 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो कितने लोग का सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर 6 सब्जेक्ट्स है, कितने लोग का 4 सब्जेक्ट्स, कितने लोग का 3 सब्जेक्ट्स। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको भी डर लग रहा है और अगर आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट्स कब आएगा, रिजल्ट्स आने के बाद हम क्लास 11 का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, यू आर टोटली रॉन्ग। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट बोर्ड एग्जाम्स जो है, रिजल्ट आपने जैसा भी एग्जाम्स में परफॉर्म किया उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। मेथोडोलॉजी भी जो अपडेट है वो भी आपने जो एग्जाम्स ऑलरेडी दिया उसी का बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज लिया जाएगा और आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का मार्क्स उसी बेसिस पे दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का मार्क्स मोर और लेस सेम होगा, डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट मार्क्स कितना आपको मिला है स्कूल की तरफ से, तो उसी की वजह से वो वैरी होगा। अदरवाइज मोर और लेस मार्क्स फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी सेम ओनली। नाउ योर 11 प्रिपरेशंस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड लेट मी टेल यू दैट अब आपको क्लास 11 का प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छे से इन द सेंस क्लास 11 का प्रिपरेशन बस ऐसे ही करने से नहीं होगा, इन डिटेल्स अच्छे से क्यों? क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो सिलेबस रिडक्शन के रिगार्डिंग भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया दिया था। चाहे आप आईएससी बैच स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई में आप जाना चाहते हो, सिलेबस रिडक्शन हुआ है, 25-30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। And now let me tell you that not demotivating you, but it is a fact that अगर आप class, if you take class 11 very lightly, क्योंकि class 10 जो था, class 10 में actually क्या होता है कि board exam से कुछ months पहले 3-4 months के अंदर आप syllabus cover करके अच्छा marks score कर सकते हो। And मैंने ऐसे बहुत सारे students को देखा है जो कि last 3-4 months का preparation अच्छे से करते हैं and they get 90 above marks, 90% they get more than 90% in their board exams. लेकिन class 11 this is not a joke. Why is it not a joke? क्योंकि क्लास 10 में आप जैसा सोच रहे हो, जैसे आपने की, हो सकता है कि आपने सिर्फ लास्ट 3-4 मंथ्स इफेक्टिवली स्टडी किया हो और आपका मार्क्स जो है परसेंटेज में भी यू हैव स्कोर 90 अबव इन योर क्लास 10। सो क्लास 10 में आपका अभी का मार्क्स जो है आफ्टर 3-4 डेज रिजल्ट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 5 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, मे बी यू हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड परसेंटेज, बट हियर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। Why am I saying this to you? Because चूंकि क्लास 11 का प्रिपरेशन है, अगर आप क्लास 10 में बहुत अच्छा स्कोर किए, यू विल थिंक दैट ए क्लास 10 में मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, क्लास 11 एंड 12 दिस इज ऑल्सो नथिंग, जैसे 10 में हुआ वैसे ही क्लास 11 एंड 12 में भी हो जाएगा। बट दिस इज नॉट अ जोक, क्लास 11 एंड 12 सीरियसली यू विल हैव टू टेक इट सीरियसली। क्लास 11 एंड 12 का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। प्रिपरेशन क्या होता है क्लास 10 में, क्लास 10 का प्रिपरेशन जो होता है और क्लास 11 का कंपेयर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट when you are preparing for your class 11. Class 11 is not a joke. Now you must be thinking that why am I demotivating you, but let me tell you that I'm not demotivating you, rather this is a fact
सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 10 में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं एंड दे गेट ओवर कॉन्फिडेंस, बट आफ्टर मूविंग टू क्लास 11 जब आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्लास 11 में. यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी मत करो. ये सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे. आई अंडरस्टैंड दैट क्लास 11 का प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करोगे यू विल अगेन एंड अगेन थिंक अबाउट योर रिजल्ट, टेंशन अबाउट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स में क्या होगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, क्या सारे सब्जेक्ट्स में हम पास हो जाएंगे, क्या 90 अबव मिल जाएगा कि कितना मार्क्स मिलेगा, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स मिलेगा. तो ये टेंशन तो है, लेकिन साथ ही साथ आपने जो एग्जाम्स ऑलरेडी दिया उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा. सो अगेन एंड अगेन थिंकिंग अबाउट दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट? सो वॉट यू हैव टू डू एक्चुअली एट दिस मोमेंट इज टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर क्लास 11. क्लास 11 का प्रिपरेशन नाउ सीरियसली स्टार्ट करना है आपको. डजेंट मैटर वेदर यू आर गोइंग टू ज्वाइन सीबीएसई बोर्ड आफ्टर क्लास 10, डजेंट मैटर वेदर यू आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम द सेम स्कूल, वेदर यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम आईएससी बोर्ड ओनली, बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली. नाउ स्पेशली अगर आपने सोच लिया कि क्लास 11 में हमें साइंस लेना है, क्लास 11 एंड 12 में साइंस लेकर whether you want to take PCM or PCMB. So if you want to take science specially in class 11 and 12, so it is very important that physics and mathematics, very important subjects, and physics and maths jo hai class 11 and 12 mein bahut hi tough hone wala hai. Tough in the sense comparatively if you compare it with class 10, so completely it is different both class 10 and class 11. So class 10 mein suppose aapne trigonometry padha, class 11 mein bhi hoga, lekin they are completely different. Completely different. It is very important that class 11 का preparation start कर दो. Physics and maths में आपको आगे जाकर बहुत ही problem होगा अगर आपने अभी से preparation start नहीं किया. So school में जब आपका new session start होगा, after that when you start you will come to know कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा at the beginning. So try to get those things and specially maths and physics में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. Chemistry, English and all that you can do. बट स्पेशली फिजिक्स एंड मैथ्स में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे. आई नो रिजल्ट है, बहुत डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, क्या होगा, कितना मार्क्स मिलेगा, कितना परसेंटेज आएगा, ओवरऑल बेस्ट ऑफ फाइव कैसे लेना है, बेस्ट ऑफ फाइव में कौन से सब्जेक्ट में मेरा खराब आएगा, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा आएगा, कितना परसेंटेज मिलेगा. दिस थिंग इज फेयर, लेकिन क्लास 11 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और क्लास 11 दिस इज अ बिग जम्प यू कैन से फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड be self-dependent from now onwards and start preparations. Don't wait for your school. Literally, don't wait for your school new session to begin. Don't wait ki schools kab khulega, physical classes hoga. Then only you will start your preparations. You are going to be very, very late and you won't understand anything. And once the school reopens, once you go to the schools, you start your new sessions, sab kuch bahut hi jaldi jaldi hoga. Teachers, they will be in a rush to complete the syllabus. So very important that you should be pre-prepared, at least go through the things that is there and mathematics, maths practice karo, dekho ki kya kya chapters hai. So there are many videos also which is available on YouTube, so take the help of that and try to prepare. And jo ki results hai, now come to the results. So result aapko kaise online check karna hai, what is captcha, what is unique ID index number, kaise fill up karna hai, result kaise aapka show hota hai usme, whether percentage average marks is given or not, or whether you need to calculate it, kya overall percentage best of 5 ka aapko khud se calculate करना पड़ता है या फिर आपको मिलता है. मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन सी दैट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. और अगर आपका कोई डाउट है क्लास 11 के रिगार्डिंग या फिर रिजल्ट्स के रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. सो दिस वॉज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और इस वीडियो को लाइक कर देना. थैंक यू.